हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। अमेजिंग से किचन टिप्स लेकर आई हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली टिप हमारी ये है कि हमारे घर में जब भी हम आटा गूंदते हैं तो कुछ आटा ना बच जाता है। जैसे सुबह गूंदा तो रात तक कई बार आटा बच जाता है, तो उसके लिए मैं ना आज हैक लेकर आई हूँ। कई बार उसके ऊपर ना एक ब्राउन सी परत चढ़ जाती है और कई बार इतना हार्ड हो जाता है ना, जब फ्रिज में से आटा बाहर निकालते हैं ना तो कुछ देर के लिए हमें रखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं ना कई लोग कि गीला कपड़ा हम जो है यहाँ पर रख देते हैं, पर गलती से भी ऐसे टिश्यू पेपर को नहीं रखना है। टिश्यू पेपर को डायरेक्ट नहीं रखेंगे, नहीं तो ऐसे चिपक जाएगा। इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो इसकी करेंगे हम ऑयलिंग। ऑयलिंग करने से ना ये जो आटा है एक तो नरम रहता है और इसके ऊपर वो पपड़ी नहीं आती। तो ये देखिए बिल्कुल टिश्यू पेपर तो निकालना ही मुश्किल हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे ऑयलिंग। अच्छे से ऑयलिंग आसपास सारी तरफ से कर देंगे। ऑयलिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टिश्यू पेपर की लेयर बिछाएंगे। अगर आपके पास कोई भी जो है कपड़ा है, सॉफ्ट सा कपड़ा है जो कि आपने किचन के लिए यूज़ किया हुआ है, साफ सुथरा कपड़ा, उसको हल्का गीला कपड़ा करके भी इसके ऊपर डायरेक्ट भी रख सकते हैं। अगर आप टिश्यू रखना चाहते हैं तो ऑयलिंग करने के बाद ही टिश्यू रखिए। तो देखिए बिल्कुल चिपका नहीं है, ऐसे ही उतर जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही रख कर फ्रिज में रख दूंगी, और जब भी आपको आटे से रोटी बनानी होगी तब आप टिश्यू पेपर को निकालिए। आपको आटा बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल सॉफ्ट मिलेगा, और बिल्कुल भी वो वैसे होता है ना जैसे गूंथता भी नहीं है, हम बेलते हैं तो बेलता नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की तरफ। हमारे घर में जब भी अखबार आती है तो वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बहुत सारे काम में हमारे यूज़ में आती है। आप उससे फ्रिज की सफाई, किसी भी ग्लास की सफाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चमक आती है। छोटी सी टिप थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगली टिप तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। जब भी हम बच्चों के लिए घर पर कोई भी जूस बनाते हैं, चाहे गाजर का चाहे कोई भी जूस, तो उसमें ना एक स्पेशल चीज़ ऐड कर दीजिए जिससे उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो चीज़ है ना आपके घर में भी होगी शायद, तो अगर है तो इसका ज़रूर जो है फ़ायदा उठाएं, वो है तुलसी के पत्ते। जी हाँ, पुदीना तो आप डालते ही हैं, पुदीना घर में बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है बच्चों के लिए और ठंडी चीज़ होती है तो बहुत ही फ़ायदा देता है। इसके साथ ना आप इसमें तुलसी के पत्ते कुछ डाल दीजिए धोकर अच्छे से। तो आज मैं जैसे गाजर का जूस बना रही हूँ ना, तो मैंने इसमें तुलसी के पत्ते ऐड कर दिए हैं, तो बहुत ही बढ़िया, एक तो फ्लेवर देता है, एक ऊपर से इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्योंकि बच्चे कई बार ऐसा होता है ना, तुलसी या फिर ऐसे कोई काढ़ा वगैरह नहीं पीते हैं, तो इन सब चीज़ों में आप इनको ऐड करके दे सकते हैं। तो ये बढ़िया तरीके से गाजर का जूस बनकर तैयार है, बच्चों को दीजिए, बच्चे इसे बहुत ही खुश होकर पियेंगे। और मुझे बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की तरफ। मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी। तो यहाँ पर ना जब भी हम मक्खन डालें तो उससे पहले ऑयल ज़रूर डालें ताकि मक्खन अच्छे से जले नहीं। इसके बाद ना आप पनीर की भुर्जी बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया एक तरीका अपना सकते हैं, जिससे कि आपकी पनीर की भुर्जी में बहुत ही ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। पहले तो इसमें मैंने थोड़े से लौंग डाल दी है, 3 से 4 यहाँ पर काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी डाल दी है। उसके बाद प्याज को करेंगे फ्राई। अब हम क्या करेंगे ना, प्याज को हम 60 से 70% फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे बेसन। जी हाँ, कोई भी सब्ज़ी है ना उसमें अगर आप बेसन 1 से 1.5 चम्मच डाल देते हैं ना, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। ये पूरी की पूरी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। तो ये बेसन वाली पनीर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। बाद में इसमें टमाटर डालकर तड़का लगा दीजिए और पनीर की भुर्जी बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगी। अगली टिप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है उन घरों में, कई बार जिनके घरों में ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़र में जो है बर्फ़ जमती है, कुछ भी रखने तक की जगह नहीं होती, तो आज उनके लिए बहुत ही स्पेशल सा हैक लेकर आई हूँ। कुछ नहीं करना, नॉर्मल एक पानी लेना है, पानी में डाल देना है नमक। अगर आप डायरेक्ट बर्फ़ पर नमक डालेंगे ना, पानी तो पिघलेगा पर उसके साथ आप नमक को ना उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि घुलेगा भी नहीं इतने ठंडे पानी में। तो हमेशा ना पानी में नमक को घोलकर या तो उसको स्प्रे कर दीजिए बर्फ़ वाली जगह पर, या फिर आप किसी भी कपड़े को ना या फिर टिश्यू पेपर को नमक वाले पानी में डिप करके वहाँ पर अच्छे से लगा दीजिए, बर्फ़ अपने आप पिघलना शुरू हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा हैक है पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैक है। हमारे घर में ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा होती हैं, पर आजकल तो दूसरी फ्रिज आ गई हैं जिनके घर में ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप इससे उसको छुटकारा पा सकती हैं। टिप अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगली टिप बहुत ही ज़्यादा छोटी सी है,
है पर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। हमारे घर में जब भी गाजर का हलवा बनता है ना, तो गाजर को छीलते हुए ना बहुत ही ज़्यादा पसीने छूटते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका लेकर आई हूँ। इसमें गाजरों को आप जो है कुकर में डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब गाजर ली थी और इसमें आप डालेंगे दो छोटे कप यहाँ पर दूध, मलाई वाला दूध मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए 2 कप दूध डालेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं भरना, नहीं तो दूध बाहर आ जाएगा। और इसमें अब क्या करेंगे ना, लिड लगाकर इसको 2 से 3 सीटी बजा लेंगे ताकि गाजर अच्छे से घुल मिल जाए। और यहाँ पर मैं लिड लगा देती हूँ और ये देखिए बिल्कुल सीटी बज रही है, 3 सीटी मैंने लगवाई है। 3 सीटी के बाद मैं दिखाऊंगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से गाजर उबल गई है, ठंडी हो रही है। उसके बाद ना इसको मैश करके आप कुछ भी बनाना चाहे बना सकते हैं, जैसे कि गाजर का हलवा यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो बहुत ही आसानी से आप गाजर का हलवा बना सकते हैं। टिप अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये जो रेसिपी है ना, मेरे चैनल पर, दूसरे चैनल पर अपलोड है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। चने की दाल की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, आज से पहले आपने बिल्कुल नहीं देखी होगी, ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।